ट्यूसडे आ जाओगे तो थोड़ा बहुत हो जाएगा। हाँ वेडनेसडे से इधर आ जाओ। डायरेक्टरी सबमिशंस कहाँ पे हो सकते हैं? वेब दे आर सर्टेन वेबसाइट्स ऑन विच यू कैन सबमिट डायरेक्टरीज। तो उनका नाम क्या है? डायरेक्टरी क्रिटिक्स, डायरेक्टरी क्रिटिक डॉट कॉम। ठीक है, ये वेबसाइट है जिसपे आपको डायरेक्टरी सबमिशन के लिए वेबसाइट मिल जाएगी। किन किन वेबसाइट पे आप सबमिट कर सकते हो अपनी वेबसाइट? तो फ्री वाला ऑप्शन यूज करना है तो डायरेक्टरी लिस्ट, देन वी हैव फ्री डायरेक्टरीज। फ्री डायरेक्टरीज कर लोगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे लिस्ट आना शुरू हो जाएगी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, सबकी पेज रैंक लिखी हुई है यहाँ पे, मगर फिर भी आपको चेक करनी जरूरी है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे दोनों पे 5 आ रही है, मतलब वेबसाइट इज फाइन। ठीक है, आपने चेक कर ली पेज रैंक सही है जो दिखा रहा था उतनी है। अब सबमिशन कैसे करोगे? सबमिशन करने के लिए आपको कैटेगरी पिक करनी पड़ेगी अपनी। कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, जैसे आपके लिए कैटेगरी हो सकती है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ में गए हम, हेल्थ में सब कैटेगरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती आपकी। ठीक है, अब देखो हेल्थ में आपकी कैटेगरी कौन सी है? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। पब्लिक हेल्थ, सीनियर हेल्थ, वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, होम हेल्थ। अगर कैटेगरी नहीं है तो डायरेक्ट सबमिट कर दो, कैटेगरी मिल जाती है तो वेल एंड गुड। चलो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स कर देते हैं जैसे इनकी। अगर कैटेगरी नहीं है तो डायरेक्ट सबमिट कर दोगे। मेरा जैसे कस्टमर बट आए ही ना अगर तो टेस्ट एंड वीड कंट्रोल आ रहा है तो कर दो। हाँ कर लो, आसपास होना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट सबमिशन। आप यहाँ पे क्लिक ना करके कैटेगरी में मूव नहीं करोगे, आप डायरेक्ट यहीं से सबमिट कर दो अगर आपकी कैटेगरी नहीं मिल रही है। ठीक है, टॉप कैटेगरी तो मिल ही जाएगी, वो तो कोई डाउट नहीं है क्या? हाँ ठीक है, तो सबमिट कर सकते हो। जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट में सबमिट कर रहे हो, सबमिट कुछ नहीं करना है आपको। फ्री वाला ठीक है, वेबसाइट टाइटल जैसे आपने पेज टाइटल बनाया था वैसे ही बनाना है। वेबसाइट का यूआरएल जिस पेज का एसईओ कर रहे हो। ठीक है, साइट डिस्क्रिप्शन सिमिलर टू मेटा डिस्क्रिप्शन, मगर यहाँ पे लेंथ ज्यादा होगी इसकी। प्लस आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका ये वाला कोड जो डाला हुआ है। क्लिक एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, क्लिक करोगे सबमिट कंटिन्यू। कंपनी का नेम डाल दो, पर्सनल डाल दो, सकते कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है, वेबसाइट टाइटल, यूआरएल एंड डिस्क्रिप्शन। वेबसाइट टाइटल क्या होता है? आपको ऑन पेज एसईओ बताया था ना, टाइटल बताया था वो डालना। ऑप्शन नेम होता है वेबसाइट क्या? ऑप्शन नेम होता है वेबसाइट। लिखने दो, गाइडलाइंस फॉलो करोगे तो कभी ऊपर नहीं आ पाओगे। तो हमने अपने एसईओ वाला टाइटल बनाया। ठीक है, हर पेज का करना होता है और डेली के 5 सबमिशन करने तक वेबसाइट डायरेक्टली। हाँ, आपको एक डायरेक्टरी सही नहीं लगती किसी और में जाना चाहते तो चेंज डायरेक्टरी। हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी ना, आपको कैटेगरी सही नहीं लगी तो वापस चले। ठीक है, दिस इज द वे टू डू ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड द डायरेक्टरी सबमिशन। साइट डिस्क्रिप्शन इज मेटा डिस्क्रिप्शन। यस, जब आपने इससे पहले पढ़ा था शायद
एक मिनट फ्री वाला दिखा देता हूँ। ठीक है, इट विल टेक 2 to 6 weeks फॉर अप्रूवल इन फ्री। फ्री चलाता हूँ आपको। कभी भी अगर ऐसी 50,000 5,000 वेबसाइट है, आप 5,000 वेबसाइट को $40 तो नहीं दे पाओगे। एंड इट इज ऑब्वियस ही बात है, इसीलिए तो आपको 6 महीने का था। वापस आ बिजनेस स्ट्रेटजी पे मत जाओ। एडवाइस हमारे लिए, इसके पास एक मॉड्यूल है इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर एडवाइस। ठीक है, इधर इधर कौन कितने रह गए बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ गए। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी के बाद सबमिट योर वेबसाइट, क्लिक करोगे मूव टू स्टेप 3, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल देनी है, वेबसाइट का टाइटल या पेज का टाइटल जिसके लिए आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, URL एंड साइट डिस्क्रिप्शन। नाम जब भी ईमेल आईडी यूज करें तो एक अलग आईडी बना लें, क्योंकि बहुत सारे जंक मेल्स भी आएंगे। ठीक है, इस ऑफ पेज एसईओ के लिए एक अलग वेबसाइट यूआरएल बना रहे, ताकि जिससे आए उस पर ही आते हैं, कोई दिक्कत ना हो, आपकी मेन ईमेल आईडी डिस्टर्ब ना। ठीक है, फिल करोगे, सबमिट करोगे, रिव्यू के लिए आ जाएगा ऑप्शन। हाँ, ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे। हाँ, डेली के 5 सबमिशन करने हैं अगले 3 महीने तक। वेबसाइट का URL आ रहा है, नाम नहीं। गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते कभी भी, जहाँ पे जरूरत होती है वहीं पे फॉलो करते हैं। हर कीवर्ड के लिए जिसके लिए आप कर रहे हो, क्योंकि हर कीवर्ड के लिए अलग पेज है। ठीक है, कैसे आएंगे? उनकी वेबसाइट में हमारा रेफरेंस कहाँ है? हाँ, वो दिखा देता हूँ। कंटेंट में चेंजेस करता है, वो कैसे चेंजेस करता है? वो कुछ नहीं करता, जो आप सबमिट करते हो, वेबसाइट का टाइटल था ऑल आर्ट, तो ऑल आर्ट आ गया, ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, दैट इज द वे टू शो इट। क्लिक करो, allart.com पे चले गए, ऐसे ही आप की पे क्लिक करेगा तो आप चले जाओगे। ठीक है, जिनकी 0 टू 10 होगी रैंकिंग, जिनकी अबव 2 होगी या 2 होगी उन्हीं से लिंक लेना है, उनसे नीचे वालों से लिंक नहीं लेना। 2 टू 10 जैसे मुझे 5 दिस करेगा, 5 कर लेते हैं, 2 टू 10 के बीच में। तो डेली जो है 5 आप कह रहे हैं, 5 सबमिशन डेली फॉर ईच एंड एवरी की कीवर्ड। ठीक है, 5 कीवर्ड है तो 25 सबमिशन। तो सर, जो आप 5 जो कीवर्ड दे रहे हैं, जो पहला कीवर्ड दिया मैंने, वैसे 5 कीवर्ड जो हैं वो इसी में एक वेबसाइट पे कर दें? हाँ, अगर वेबसाइट ले रही है तो, मतलब हमारे जितने पेजेस हैं जो 5 कीवर्ड हैं तो वो पहले ऑल आर्ट पे कर दे सकते हैं। पहले ऑल आर्ट पे दो ना, ये डब्ल्यू ऑल आउट में क्यों करना है? ऑल आउट ने तो दिया हुआ है अपना लिंक, अभी हमने तो डाली नहीं है, रिव्यू पीरियड नहीं दिखाया था मैंने। हाँ, ये आपको यहाँ से मिल जाएगी ना, डायरेक्टरी क्रिटिक्स। ये अपने पीआर कैसे बढ़ा रहे हैं?
तरीके होते हैं, वो उनकी अलग लेवल ऑफ मार्केटिंग होती है। जब वो मोमेंट आएगा तब तक आपकी रैंक टॉप 5 में आ चुकी है। टॉप 5 में इन पर्टिकुलर कीवर्ड, आपकी पेज रैंक 5 नहीं, आपकी उस कीवर्ड को भी सर्च करेगा तो उसमें हो रैंक 5। वो कैसे सर्च होगी? वो मेरे जो कीवर्ड, वो मेजरमेंट लास्ट वाला मॉड्यूल में बात करते हैं, वो कीवर्ड जो है उन पे जो सर्च करेगा वो रैंकिंग उसके पहले 5 में आ चुकी है। तो कुछ भी ना तो ये सब हो गया, जरूरत नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो धीरे धीरे डेली 5-5 करोगे ना, अगर मान लो सब ने एक साथ अप्रूव कर दिया तो एक दिन में 500 लिंक आ गया आपके पास, तो गूगल कह गए तो कहानी गड़बड़ है। ऐसे नहीं करते, इसीलिए तो 5 की लिमिट डिफाइन की। बहुत सारी हो सकती है, आपने कोई भी फैक्टर ढंग से नहीं किया तो उसकी आंसर वही। मेजरमेंट है ना इसमें एसईओ में, लास्ट आप ही ने तो बताया था, मैंने लिखवाया था 5वां फैक्टर। आप प्रोफेसर बैठे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने बोला था देना एसईओ में ना भाई, ये तो पेन का भी बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि ये फ्री है। कहानियाँ अपने आप सेट बैठती हैं, आप पैसे खर्च करते जाते हैं मॉड्यूल्स के साथ ना, तो वो कहानियाँ आपको जुड़ती हुई दिखती है। वहाँ पे भी आपने खर्च नहीं करते, तो आपने ब्लॉकेज खुद क्रिएट किए वहाँ, वो इसीलिए कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा। आपके पास वेबसाइट तैयार नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, पंगा वहीं से। इसीलिए कहा था स्टार्टिंग में कर लेना, क्योंकि आगे चीजें होंगी नहीं। वो समझाया था मैंने, मगर जब चीजें निकल जाती हैं हाथ से तभी समझ आते हैं कई बार। ग्रुप तो है हमारा, ठीक है। अगला सबमिशन है सोशल बुकमार्किंग। जैसे मैंने डायरेक्टरी सबमिशन की आपको वेबसाइट लिखवाई, ऐसे ही एक डायरेक्टरी सबमिशन की सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट है VM ऑप्शन सोशल बुकमार्किंग। डायरेक्टरी क्रेडिट के अलावा भी कुछ है? VM ऑप्शन है इसी डायरेक्टरी सबमिशन भी है, इसमें बुकमार्किंग भी है। देखो अगर जैसे A1 डायरेक्टरी बोला था, ये अलाउ कर देता है मल्टीपल लिंक्स, क्योंकि ये तो इसकी मर्जी है। अगर ये एक ही वेबसाइट के 5 URL अलाउ कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो आपको नेक्स्ट में मूव ऑन करना पड़ेगा। वो तो उसकी वेबसाइट की, हर वेबसाइट का इंडिविजुअल है ना कि वो एक ही वेबसाइट के 5 लिंक अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। करने पड़ेंगे आपको पांच वेबसाइट में सेम टाइटल लिखोगे ना, एक कीवर्ड है जैसे पेस्ट कंट्रोल, उसमें आपने खोला। हाँ एक एक मिनट में समझा दूँ दोबारा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। जैसे आपका कीवर्ड है पेस्ट कंट्रोल, आपको उसको सबमिट करना है, तो आप पहले इन पांचों में करेंगे, ठीक है? फिर दूसरे कीवर्ड का 5 डायरेक्टरीज में करेंगे, फिर तीसरे कीवर्ड का करेंगे, फिर चौथे कीवर्ड का। अब कोई डायरेक्टरी है जो मल्टीपल लिंक्स एक वेबसाइट के नहीं डालने दे रही है, तो उसमें नहीं कर पाओगे, उसके लिए नेक्स्ट डायरेक्टरी में मूव ऑन हो जाओगे। अच्छा, एक जैसे तो उसमें वेबसाइट का नाम तो सेम ही रहेगा, वेबसाइट का URL सेम रहेगा। क्यों URL सेम रहेगा? आपने एक बनाया पेस्ट कंट्रोल के लिए, एक बनाया पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, URL तो अलग रहेगा।
वो हर बार ही अलग होगा क्योंकि पेज ऑप्टिमाइजेशन जो ऑन वे सीखा है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है वीएम ऑप्शन। इसमें डायरेक्टरी लिस्ट भी आप देख सकते हो, मगर इसमें सोशल बुकमार्किंग लिस्ट भी है। तो हम डायरेक्टरी लिस्ट तो सिमिलर उसी की तरह होगी, vmoptions.com, यहाँ पे सोशल बुकमार्किंग लिस्ट, बुकमार्किंग लिस्ट। अब इन्होंने यहाँ पे लिंक दे दिए हैं सारे, पहले इन्हें अरेंज कर लो ऑर्डर में, पीआर के अकॉर्डिंग बेटर है कि नहीं। हाई पीआर वाले पहले मिल जाएं और बाद वाले लो पीआर वाले बाद में। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, बहुत बड़ा वाला, ये पेड होंगे, पेड भी हो सकते हैं फ्री भी हो सकते हैं, ट्राई करके देख लेना, करके दिखा रहा हूँ मैं, जैसे इसी पे करके दिखा देता हूँ। ये इसकी स्पॉन्सर्ड वाले पेड हो सकते हैं, ट्राई दिखा के फायदा क्या है, पेड निकला एंड में कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं नीचे लिस्ट है ना पूरी, पेजेस हैं 2, 3, 4, 5। चेक करवा रहे फीचर सही होता है साइट के लिए। ठीक है, वेबसाइट ही बोलिए सर, कहीं है हाँ। तो यहाँ से मैंने लिंक कॉपी किया recon.com, यहाँ पे खोल दिया बस, क्रोम खोलने नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों क्रोम को दिक्कत है, तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आ गए जिससे कम दिक्कत है। वो एक गलती से खोल ही ले, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए बहुत है। अगर सुन लिया होते तो डिफरेंस कैसे पता चलता, कंटेंट ही होता, कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे हम लोग सबमिट करते जाते हैं, जैसे खोल नहीं रहे तो पीआर तो दिखा दे। क्यों, आपने लिंक दिया अपनी वेबसाइट में इनका, आपने उनकी वेबसाइट पे दिया ना, अपनी वेबसाइट पे इनका लिंक थोड़ी ना दिया है। ऑब्वियसली बात है, आपकी वेबसाइट पब्लिकली ओपन थोड़ी ना कि कोई भी आए और एडिट करके चला जाए, क्योंकि इनका काम बिजनेस ही यही है। जैसे इसकी पेज रैंक 5 दिख रही है, इसकी खुल नहीं रही है, वो बात अलग है, यहाँ पे खुल गई। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर। ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जी नाम ले लो आप, फेवरेट नाम लेते हैं कभी, कुछ भी हो सकता, वो बी डब गया तो अब डब गया फोन में, मेरे को कोई भी फेक नाम डालना होता तो रवि का नाम आता है, आसान नाम है, शॉर्ट चार वर्ड का। ठीक है, ईमेल आईडी, कौन सी ईमेल आईडी, नहीं बना रखी है, याद नहीं है,
सोशल बुक मार्किंग में रजिस्टर ही होगा, यही डिफरेंस है सोशल बुक मार्किंग और डायरेक्टरी सॉल्यूशन। मेल होने से इसका कैसे काम करेगा? लिंक जो सेंड का बिजनेस में उनका क्या पर्पस होगा? एक मिनट में बता। ठीक है मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ, पासवर्ड क्या? ईमेल आईडी ऑब्वियस ही बात है, कंफर्मेशन मेल भी आ सकता है। ठीक है वंस यू लॉग इन, आप लॉग इन हो जाओगे, ठीक है लॉग इन होने के बाद यू हैव टू सबमिट अ स्टोरी। हाँ ठीक है, आप बस आपने डाला, आप लॉग इन हो गए ना, यहाँ पे नाम आ गया। ये पैसे कैसे कमा रहा है ये देखो, ऐड चल रही है लगातार। अरे YouTube को छोड़ दो, पहले इधर कॉन्सेंट्रेट कर लो, ठीक है बीच में टॉपिक मत डिस्टर्ब करो। न्यूज सोर्स आपको अपनी वेबसाइट डालनी है यहाँ पे, हाँ सिर्फ वेबसाइट या स्पेसिफिक URL जिसका भी आप SEO कर रहे हो, ठीक है। आर्टिकल टाइटल अपने आप ले लेगा, आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। कैटेगरी आपको खुद सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, यहाँ पे लिमिटेड कैटेगरीज है। सबमिट अ स्टोरी के बाद वो URL पूछते हैं, URL देना है उसके बाद। हाँ आप कोई स्पेसिफिक पेज का URL भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया का वो नहीं है कि जो फेसबुक का पेज है या कोई दूसरा पेज, उसके बाद नहीं हो रही है तो सोशल क्या हो रही है? सोशल बुक मार्किंग तो ये लेना था कि हमारे लोग ट्विटर या वो भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, वो तो सबको पता है, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे अपने आप आर्टिकल स्टोरी आ गई, कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है जिस भी कैटेगरी में आते हैं। स्पेसिफिक पेज का दोगे? क्योंकि मैंने कहा SEO पेज वाइज होगा ना, तो पेज का दोगे, फिर टैग्स दे सकते हो आप जो भी टैग देना चाहो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 4 से 5 टैग देना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं उनको, सर्विस बिजनेस कुछ तो देनी पड़ेगी, कुछ कहीं ना कहीं तो मिलते ही होंगे। जो एक पेज के अंदर मुझे इतने टैग दे सकते हैं, हां 3 से 4 टैग देना, ज्यादा टैग नहीं। दैट इज नथिंग टू द कीवर्ड्स, नहीं कीवर्ड्स होंगे ना ऑब्वियस बात है, जैसे हमारा DSIM है तो कीवर्ड्स क्या होगा हमारा डिजिटल मार्केटिंग, हम एक ही कीवर्ड पे काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो टैग्स देने हैं ना इस वेबसाइट के लिए, तो आप दे सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, हाँ 2-3 दे सकते हो, 4 देना इससे ज़्यादा मत देना। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटेंट देना है कि आप क्या पब्लिश करना चाहते हो अपने बारे में, जैसे पहले था मेटा डिस्क्रिप्शन ना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा विच इज़ अराउंड 500 वर्ड्स, जैसे हमने उसमें दिया डायरेक्टली सबमिशन 500 वर्ड्स के अराउंड था, ऐसे यहाँ पे भी देना है 500 वर्ड्स के अराउंड। मेटा डिस्क्रिप्शन हमारी बहुत छोटी थी तो बड़ा करना है ना उसको, वही तो नहीं करना। तो इसमें हमारे को कीवर्ड्स कितनी बार आनी चाहिए? कीवर्ड डेंसिटी आपको बताया 3.5%, ठीक है। वंस यू पुट ऑल दी डिटेल्स, चलो DSIM के लिए कुछ तो कर ही देंगे, हमारी बैक लिंकिंग ऐसी ही हर क्लास में एक पीस मिल जाएगा सर। क्या
हर छोटी चीज की फीस नहीं है। कॉपी किया फॉर द टाइम बीइंग मैंने इतना ही डाल दिया, ये अपने आप आ गया। यू हैव टू गिव जो कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये GOTHS ऑफ यानी कौन सी भाषा लिखते हैं, ठीक है, क्लिक ऑन। सर ये फ्लिपकार्ट और स्नैपडील भी कर रही है, सभी करते हैं। समझ नहीं आया आपने, सबमिट कर दी स्टोरी, सिर्फ कंटेंट डालना है आपको, जैसे उसमें डाला था। नहीं खास नहीं, आपको तो डालना है ना, मेरे पास तो कंटेंट लिखा हुआ नहीं था। मगर आपको कीवर्ड डेंसिटी प्रॉपर मेंटेन करके रेलेवेंट कंटेंट लिखना, ऐसा नहीं रैंडम कुछ भी लिख रहे, ठीक है। सबमिट योर स्टोरी कर दोगे आप, उसके बाद वंस यू सबमिट योर स्टोरी इट विल बी लाइव, ये आ गया आपने, ठीक है। क्लिक करोगे यहाँ पे, क्लिक करोगे आप तो ये वेबसाइट खुल गई, ये आपका वो खुल गया, यहाँ पे लिंक है आपका अवेलेबल, बैक लिंक जिससे आपकी वेबसाइट खुल गई। आपको तो बैक लिंक से मतलब था, सबमिट करने के बाद चेक कर सकते हो आप सर कि सबमिट हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपकी स्टोरी आ जाएगी, जैसे आप पब्लिश करोगे यहाँ पे स्टोरी आ जाएगी, यहाँ पे लिंक आ गया। बस कुछ भी हो सकता है, वो उसका फॉर्मेट उसने बना रखा है, जो हमने डाला था वही पोस्ट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा, बस और हमें तो बैक लिंक से मतलब था, हमें बैक लिंक करके क्या ये तो जो इसकी साइट पे आएंगे वो करेंगे, और जो आपने टैग्स दिए थे वो टैग्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये दिखा देगा कितने लोग हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सबमिट किया है, जैसे ये साइट आ गई, यहाँ पे टैग था ना, बाकी सब आ गए। गूगल आता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता यूजर आता हो ना आता, हम तो सिर्फ बैक लिंक के लिए करते हैं, ठीक है। हमारा प्राइमरी मोटिव इज टू गेट दी बैक लिंक, हमें बैक लिंक मिल रहा है, अच्छी पीआर वेबसाइट से मिल रहा है, ठीक है। डू नॉट कंसर्न अबाउट कि कैसी वेबसाइट है कैसी नहीं है, बस भी हमारा तो आज भी नहीं होता है।
ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन क्या है? कोई बात नहीं, हाँ हाँ, तो 15-20 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको लिख के लाना है, काम दे रहा हूँ ना पूरे 3 दिन का, आप समझो तो सही। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, ये नेहंता बता रही है, वो ही शेड्यूल बनाती है। वो डिसाइड करते हैं, आई एम नॉट बी डिसाइडिंग। तो वो कह रहे हैं कि नया बैच शुरू होना है, एज पर मॉड्यूल पूछ रहे हैं, एज पर मॉड्यूल तो एक बार से लगेगा। ठीक है, अब आर्टिकल सबमिशन साइट देख लो, tutorialwatch.in, ये गूगल पे सर्च मारोगे तो बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। आर्टिकल सबमिशन साइट्स कौन सी होती हैं? टम्बलर, स्टोरीफाई, गिटहब, मर्चेंट आर्टिकल्स। गूगल में सर्च मारो, क्या लगभग सेम है? डिफरेंस क्या हुआ, जैसे आपने डायरेक्टली सबमिशन किया, उसमें कोई लॉगिन वगैरह कुछ नहीं था, किसी का कुछ भी सबमिट कर दो, ठीक है। सोशल बुक मार्किंग में था, क्या था, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन में आपको पूरा आर्टिकल लिख के सबमिट करना पड़ेगा, 300-800 वर्ड्स का। किसमें? उसमें आर्टिकल नहीं था, उसमें सिर्फ स्टोरी थी, विच कैन बी अराउंड 500 वर्ड्स। यहाँ पे आर्टिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप अपनी ब्लॉग पोस्ट पूरी में डालें, रेलेवेंट कंटेंट डालें, थोड़ा सोचो। एज एन आर्टिकल डालो इंस्टेड ऑफ ब्लॉग, रेलेवेंट होगा, ठीक है। जैसे सर देखो ये भी चल रही है, अब तो बस इधर तो आ गए, पर होने चाहिए हो गए हैं, होने चाहिए। जैसे मैं दिखा देता हूँ, देख लो 5 मिनट ओके, हमें 10 मिनट्स ना डिस्कशन टाइम भी दिया था, थोड़ा सा हम आपस में कुछ जो क्वेश्चंस है वो पूछ लेंगे, ठीक है। फास्ट आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये साइट है आर्टिकल बेस, पहले लॉग इन कर लोगे आप, गूगल पे सर्च, गूगल पे सर्च मारो आर्टिकल सबमिशन साइट, पहला जो लिंक आएगा। क्या ये पहला लिंक था जिस पे अच्छी साइट्स मिल जाती हैं आर्टिकल सबमिशन के लिए, कौन डायरेक्टली लेना टाइप से जो सारा आ जाएगा, ये पहले से बोल रहा है, इसको पहले से बता, हम डायरेक्टली नहीं करना, मैं सबसे सी का जस्ट अभी कैसे बोला सर, जिन लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी इनको सब पता है, नहीं अंदाजा लग गया था, मैं भी तो सर्च गूगल से सर्च करके बताया है, ठीक है। आर्टिकल बेस में जाओगे, जैसे लॉगिन करा आपने, आपको पूरा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, लॉगिन किया ना फेसबुक के थ्रू, जैसे आपने क्लिक किया पब्लिश आर्टिकल, तो आपको आर्टिकल की कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, सब कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको लिख के लाने हैं और सबमिट करके लाने हैं। सर आपने वो ट्यूटोरियल वॉच में से कोई भी एक साइट चुन ली? हाँ, कोई भी, जैसे मैंने आर्टिकल बेस चुन ली, इसका वो रैंकिंग वगैरह कुछ नहीं देखना, ऑब्वियस बात है, पेज रैंक तो हमेशा ही देखनी है। ठीक है, आप देखो फील्स मेहनत बढ़ जाएगी आपकी, कहाँ पाँच पाँच कहाँ चाह रहा है, पाँच ही तो आ रही है, कौन सा आ रहा है, किधर चार आ रही है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, 4-5 चलेगा, कोई चीटिंग करो तो छोड़ देंगे,
ठीक है, उसके बाद कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है ठीक है, आप पहले लॉग इन करोगे फेसबुक या जिसके भी थ्रू करना चाहो, तो मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी आपको, ईमेल आईडी और सब वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, किसी के भी थ्रू आ सकते हो। नहीं फेसबुक और नॉर्मल सी दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है यहाँ पे फेसबुक आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा था ना हेलो जतिन, यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ रहा था लॉग इन एज फेसबुक, जैसे नॉर्मली वेबसाइट में होता है। फीचर्ड पोस्ट मतलब पेड पोस्ट, फीचर्ड स्पेशलिटीज, ये ऐसे वर्ड है स्पॉन्सर्ड जिनका मतलब होता है पेड, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी आ गई, आपको कौन सी कैटेगरी में पब्लिश करना है, जैसे मार्केटिंग में करना हमें, सब कैटेगरी आ गई, इंटरनेशनल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मार्केटिंग आ गई, सर्विस देख लो आप, कहाँ है सर्विस, बिजनेस, बिजनेस में देख लो ना, आप प्रोडक्ट एंड सर्विस में डालो, आपकी आपके में ना बहुत सारे लोग करते नहीं, इसीलिए आता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑप्शन एडिशन ऐसे ही होता है। बिजनेस कर लो होम बिजनेस या आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन कर लो, ऑनलाइन बिजनेस कर लो, सेल्स कर लो, वो तो थोड़ा बहुत इतना मेजर नहीं, क्योंकि हमें तो लिंक से मतलब ये कहीं पे अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइटल, जैसे आर्टिकल आप ब्लॉग पोस्ट का टाइटल डालते हैं वैसे ही आर्टिकल का टाइटल डालेंगे, ब्लॉग का टाइटल, ठीक है। यहाँ पे आपने जो वेबसाइट पे कंटेंट डाल रखा है वो अलग है, उसके अलावा आप जो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे अलग कंटेंट जनरेट, जो आपका मेन कीवर्ड है और वो ही आएगा यहाँ पर, टाइटल में भी वही होगा मगर जो कंटेंट आपके पेज में है उससे डिफरेंट कंटेंट होगा यहाँ पर। वो एडवर्ड कीवर्ड की कहानी है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, कोई रेलेवेंस हो सकता है, ठीक है। फिर उसकी फिर यहाँ पे समरी लिखोगे आप अपने आर्टिकल की, ये आर्टिकल है किस बारे में, विद कीवर्ड्स, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सारी चीजें कीवर्ड्स के अराउंड ही है, कोई मतलब नहीं है, रीडेबल है या नहीं, आपकी वेबसाइट पे रीडेबल होना चाहिए समरी, हाँ। फिर बॉडी, यहाँ से मेन आर्टिकल शुरू होता है, इससे पहले वाला समरी था, आर्टिकल की समरी, इसके बाद कीवर्ड्स, आपके जो फोकस कीवर्ड्स भी हैं, ठीक है, इसके बाद हाँ, इसके बाद आपकी आर्टिकल बॉडी, आपको आर्टिकल बॉडी में क्या करना है, जितने लिंक ये अलाउ कर दे उतना बढ़िया है, आपका जो कीवर्ड है, जैसे हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आता है ना हाइपरलिंक, इसमें डायरेक्ट लिंक तो नहीं दे सकते हो कि आप अपना यूआरएल लिख दो, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, जिस भी कीवर्ड पे आपको लिंक देना है, लिंक कीवर्ड सेलेक्ट किया,
यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट की, जैसे हमें देना है dsim.in या surya.fm.in, ठीक है, और जो आपका कीवर्ड है वो टाइटल में लिख देना। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जैसे हमारा लेट सपोज ये कीवर्ड, ठीक है, और इंसर्ट कर दो। ठीक है, नहीं आर्टिकल तो आपको पूरा लिखना है, मैं तो सिर्फ लिंक, हाँ कुछ कीवर्ड्स। टारगेट क्या होगा? एक मिनट बोलो, टारगेट नॉट सेट लिखा हुआ है, ओपन इन द सेम विंडो और नेक्स्ट विंडो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इट इज इमटेरियल। ठीक है, यहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखोगे, आर्टिकल की समरी, आर्टिकल किस बारे में ये लिखना है, अ काइंड ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन। उनसे कम भी लिख सकते हो, सौ वर्ड, सौ सवा सौ वर्ड, यही तो मेहनत का काम है। आपको कीवर्ड फोकस करना है, कोई मतलब नहीं है कंपनी, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये लिंक तो हमारे अपने देना चाहिए। हाँ, ये लिंक आप अपनी वेबसाइट का ही दोगे तभी तो बैक लिंक मिल रहा है, हम सारी एक्टिविटी करके हो रहे हैं लिंक लेने के लिए ना, तो लिंक ही लेंगे यहाँ से। आप अपने तीन चार कीवर्ड सेलेक्ट करो, उसको लिंक ले लो बस। ठीक है, फिर ऑथर बायोग्राफी थोड़ा बहुत लिख दो तो बेटर है। ठीक है फिर योर डिटेल्स एंड सबमिटेड, बस आर्टिकल बन गया, दिस इज आर्टिकल सबमिशन। कैसे डिस्प्ले होगा? ये ऐसे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आ रहे हैं ना। होना तो आपकी वेबसाइट पे लोग आए ना, लेकिन आपका आर्टिकल डिस्प्ले हो। यहाँ पे फोटो का ऑप्शन है ना, इमेज, ये रहा ये रहा ये रहा, ये रही इमेज, देखो पेजेस के आगे पेज बटन वर्डप्रेस में, ये आएगा लेफ्ट के ऊपर ही, पर ये कैसे आएगा, ये होम इंप्रूवमेंट ऑफ फर्नीचर। हां, ये टैग कहां पे, टैग पास है, ये शॉपिंग क्लोथिंग होम इंप्रूवमेंट फर्नीचर, ये कहां से है, कीवर्ड्स, कीवर्ड है, क्लिक करेंगे तो नहीं, शॉपिंग से रिलेटेड इस साइट में जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे दिखेंगे। हां, शॉपिंग में तो इसी पेज में नहीं, दूसरे पेज पे चला गया। हाँ, अब यहाँ पे जैसे इन्होंने लिंक दे रखे होंगे, ये देखो, बैक लिंक, बैक लिंक, ठीक है, जैसे यहाँ पे बैकलिंक आ गया, यहाँ पे दोनों ही इस पे क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बैकलिंक से नहीं, नहीं आपको सिर्फ बैकलिंक से कंसर्न है पहली चीज, तो आपको बैकलिंक मिल गया। सेकेंडरी चीज, कंटेंट का अच्छा एसईओ करके, अच्छा एसईओ कंटेंट इसमें आर्टिकल में डालेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये टॉप में है उन कैटेगरीज में, इस साइट पर जो लोग इस साइट पर आते हैं वो लोग आपका आर्टिकल रीड भी करते हैं। अगर खराब कंटेंट होगा तो वो सिर्फ एक बैकलिंक की तरह काम करेगा, मगर अच्छा कंटेंट होगा तो लोग रीड करके आपकी साइट पर भी आ सकते हैं। जो आदमी बिलो बैठा हुआ है, जैसे मान लो अपने बंदे बैठा रखे हैं, जब ये काम करेंगे नहीं, मेरा वीडियो शेयर कर दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा।
दोनों शेयर कर दूंगा। ऑफिस ही शेयर कर दूंगा।